हिमेश रेशमिया ने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत सन 2007 ईस्वी में आई मूवी आपका सुरूर से किया था। इस मूवी में हिमेश रेशमिया, सिका मोटवानी, राज बब्बर, सचिन खेड़ेकर, मालिका शेरावत थे। इस फिल्म का बजट 9 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ 16 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सन 2008 ईस्वी में हिमेश रेशमिया की दूसरी मूवी कर्ज रिलीज हुआ। इस मूवी में हिमेश रेशमिया, उर्मिला मातोंडकर, गुलशन ग्रोवर, डीनो मोरिया, राज बब्बर असरनिया थे। इस फिल्म का बजट 24 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ 28 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2009 ईस्वी में हिमेश रेशमिया की तीसरी मूवी रेडियो रिलीज हुआ। इस मूवी में हिमेश रेशमिया, सोनल सहगल, परेश रावल, जाकिर हुसैन, हिमानी शिवपुरी थे। इस फिल्म का बजट 9 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 97 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। सन 2010 ईस्वी में हिमेश रेशमिया की चौथी मूवी कजरारे रिलीज हुआ। इस मूवी में हिमेश रेशमिया, अमृता सिंह, सारा लॉरेन, गुलशन ग्रोवर, नताशा सिन्हा थे। इस फिल्म का बजट 12 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 70 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 2011 ईस्वी में हिमेश रेशमिया की पांचवी मूवी दमादम रिलीज हुआ। इस मूवी में हिमेश रेशमिया, पूर्वी जोशी, सोनल सहगल, लिली पटेल, राजेश खट्टर थे। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 91 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। सन 2012 ईस्वी में हिमेश रेशमिया की छठी मूवी खिलाड़ी 786 रिलीज हुआ। इस मूवी में अक्षय कुमार, असीन, हिमेश रेशमिया, मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर, जॉनी लेवर थे। इस फिल्म का बजट 35 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 94 करोड़ 38 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2014 ईस्वी में हिमेश रेशमिया की सातवीं मूवी द एक्सपोज रिलीज हुआ। इस मूवी में हिमेश रेशमिया, अनंत महादेवन, जोया अफरोज, सोनाली राउत, राजेश शर्मा थे। इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ 96 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2016 ईस्वी में हिमेश रेशमिया की आठवीं मूवी तेरा सुरूर रिलीज हुआ। इस मूवी में हिमेश रेशमिया, सरुद्दीन शाह, फहाद करीमी, कबीर बेदी, मोनिका डोगार थे। इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 54 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2020 ईस्वी में हिमेश रेशमिया की नौवीं मूवी हैप्पी हार्डी एंड हीर रिलीज हुआ। इस मूवी में हिमेश रेशमिया, सोनिया मान, तृप्ति खामकर, दीप मनदीप, मनमीत सिंह थे। इस फिल्म का बजट 7 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई।